अच्छी लगी तुम्हारी बुक, क्या नाम क्या उसका? ऑपरेशन पेबैक। हाँ, ऑपरेशन प्लेबैक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक और वर्सटाइल अभिनेता गोविंदा के बारे में। गोविंदा ने 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया और अपनी अनोखी अदाकारी और डांसिंग स्टाइल से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़की ने लड़के का दिल मांगा तो मालूम उस लड़के ने क्या किया? अपना सीना चीरके। आज हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनसुने और रोचक तथ्यों के साथ साथ उनके जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गोविंदा का असली नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे और उनकी मां निर्मला देवी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। गोविंदा अपने परिवार के छठे बच्चे थे, इसलिए उन्हें प्यार से चिची भी कहा जाता था। गोविंदा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज वसई मुंबई से प्राप्त की। वे पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उन्हें अभिनय और डांस में बचपन से ही रुचि थी। गोविंदा का सफर आसान नहीं था, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कई ऑडिशंस दिए, लेकिन उनकी शुरुआत में कोई खास पहचान नहीं बन पाई, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने आखिरकार उन्हें सफलता की राह पर ला खड़ा किया। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म इल्जाम से की। ये फिल्म सुपरहिट रही। ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें उजाले में लाना चाहते हैं। प्रॉब्लम? ये सोच लो। देखो मुझे जाने दो, मैंने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए और मैं एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और गोविंदा ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। गोविंदा को उनके बेहतरीन डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है। वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने डांस को एक नया आयाम दिया। उनकी एनर्जी और नृत्य के अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड का डांसिंग सुपरस्टार बना दिया। गोविंदा ने अपनी फिल्मों में कॉमेडी को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और संवाद अदायगी ने उन्हें कॉमेडी किंग का खिताब दिलाया। उनकी फिल्म जैसे आंखें, राजा बाबू, कूली नंबर वन और हीरो नंबर वन आज भी लोगों को हंसाने के लिए काफी हैं। गोविंदा ने कई फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी फिल्में जैसे हद कर दी आपने और अखियों से गोली मारे में उन्होंने दो दो किरदार निभाए और दर्शकों का दिल जीता। गोविंदा ने 2004 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत भी हासिल की। हालांकि उन्होंने बाद में राजनीति से दूरी बना ली थी और अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित किया। गोविंदा अपने परिवार के बहुत करीब हैं। उन्होंने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की और उनके दो बच्चे हैं, नर्मदा और यशवर्धन। गोविंदा हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं और उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंदा को संगीत में भी गहरी रुचि है। उन्होंने कुछ फिल्मों में खुद गाना भी गाया है। उनकी आवाज और गायकी ने उनके प्रशंसकों को और भी ज्यादा प्रभावित किया। तो कुछ भी नहीं है मेरे। 90 के दशक में जब गोविंदा अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, तो 2000 के दशक में उनका करियर धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिल्मों का चयन और कुछ फ्लॉप फिल्मों ने उनके करियर पर असर डाला, लेकिन गोविंदा ने कभी हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। करियर के उतार चढ़ाव के साथ साथ गोविंदा को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार को संभालने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ इस संकट का सामना किया। बात करें उनके सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में, तो गोविंदा के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उनकी माँ निर्मला देवी का निधन था। गोविंदा अपनी माँ के बहुत करीब थे और उनकी मृत्यु ने उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत आहत किया। उनकी माँ का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था और उनकी कमी गोविंदा ने हमेशा महसूस की। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा की मृत्यु भी उनके जीवन की एक बड़ी त्रासदी थी। उनके पिता ने ही गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित किया था। पिता के बिना उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उनकी कमी हमेशा उनके जीवन में बनी रही। गोविंदा की बेटी नर्मदा भी फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहती थी,
लेकिन कई बार उनकी फिल्में शुरू होते होते रह गई, जिससे गोविंदा और उनका परिवार भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित हुआ। इस कठिनाई ने गोविंदा को एक बार फिर से संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। गोविंदा ने 2000 के दशक के अंत में फिल्मों में कमबैक किया। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई एम डिलेड, आई एम सॉरी, सॉरी भाई साहब। उन्होंने भागम भाग, पार्टनर और लाइफ पार्टनर जैसी फिल्मों में काम किया और एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीता। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महान कलाकार गोविंदा के बारे में कुछ अद्भुत और रचक तथ्य और उनके जीवन की सबसे बड़े त्रासदी की कहानी। गोविंदा ने अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा से न केवल बॉलीवुड में बल्कि हमारे दिलों में भी एक खास जगह बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।